हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है सभी भारतीयों के लिए। तो दोस्तों अगर आप भारत में किसी भी राज्य में रहने वाले हैं तो आपको इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई इस 5 योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो दोस्तों आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं, सभी राज्यों में ये योजना चल रही है और इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे इन 5 योजनाओं का लाभ। तो दोस्तों ये कौन सी 5 योजना है जिसके अंतर्गत सभी भारतीयों को मिलेंगे 5 योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में? तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों इसे टच कर दें। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया है, उसे भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर कर दें अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सअप पर। और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना है, और दोस्तों आपको नीचे आकर कमेंट में लिख देना है आपको इन योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं। अगर आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है तो सरकार द्वारा आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा सीधे आपके बैंक खाते में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन। तो दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड है तो आपको फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों आम चुनाव से पहले जो नरेंद्र मोदी ने सरकार के देश की गरीब जनता को एक और तोहफा दिया है। तो दोस्तों आम चुनाव से पहले जो वादा किया था और अब वो वादा पूरा होगा, जिसके तहत अब हर परिवार के को गरीब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी को मुफ्त LPG कनेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब तक ये योजना केवल SC ST 2011 टाटा के LPG सूची के तहत आने वाले परिवारों के लिए लागू की जाती थी, लेकिन अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सूची में राशन कार्ड धारक SC ST परिवार, पिछले बार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों, अंत्योदय अंत योजना के लाभार्थी, वन में रहने वाले लोग, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड के निवासी, चाय बगीचे में काम करने वाले लोग और अन्य गरीब परिवारों को इस सूची में नहीं थे, तो अब वो सभी शामिल कर लिए गए हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नंबर 2, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई आवास योजना के अंतर्गत अब सब परिवारों को मिलेगा उनका खुद का घर। तो दोस्तों अगर आपका अभी तक घर नहीं मिला है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको मिलेंगे घर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनवाने के लिए 2,50,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में। तो दोस्तों ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई मकान बनवाने के लिए आपको देगी सरकार 2,50,000 रुपये। सरकार ने ऐसे शहरी लोगों को सहूलियत देते हुए योजना शुरू की है जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन मकान बनवाने के लिए धन नहीं है। इसके अलावा झोपड़पट्टी, कच्चे और टूटे फूटे मकानों में रहने वाले लोग भी नए मकान का सपना हक के साथ देख सकेंगे। उन्हें ये हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आई इसी खासियत के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3 लाख रुपए के वार्षिक आय वाले परिवारों को इसके पात्र माना जाएगा, जबकि इससे पहले की योजना में आय सीमा काफ़ी कम रहती थी। इसके चलते तमाम लोग योजना का लाभ मिलने से वंचित रह जाते थे, तो अब इस योजना में सभी को मिलेगा घर बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपये। तो दोस्तों अगर आपका घर नहीं है तो आप आवेदन कर और पा सकते हैं 2,50,000 सीधे अपने बैंक खाते में, अगर आपकी आय 3 लाख से कम है तो। तो दोस्तों नंबर 3, शौचालय योजना। इस प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई शौचालय योजना के अंतर्गत सभी को मिल रहे हैं 12,000 रुपये घर बनवाने के लिए, और इसमें आधार कार्ड को भी मान दिया गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको शौचालय बनाने के लिए मिलेंगे 12,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में। तो दोस्तों बकाया के ग्रामीण विकास मंत्रालय के बकायेदार पर इस के जरिए सरकार विभिन्न प्रकार माध्यम के जनता के सामने इस बात की अपील करेगी कि वे घर में शौचालय बनवाएं और बतौर प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये लेकर जाएं। तो दोस्तों शौचालय के लिए 12,000 रुपये देने के प्रचार मकसद में ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक शीघ्र अधिकारी का कहना है कि इस राशि को शौचालय के लिए काफ़ी बताया गया है। तो दोस्तों नंबर 4, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी खाते धारकों के को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जनधन खाते धारकों को योजना के खोले गए खाते में केंद्र सरकार ने 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा को दोगुना कर दिया है और 10,000 कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही
जनधन योजना के तहत अब हर परिवार की जगह प्रत्येक वास व्यक्ति का खाता खोलने पर जोर दिया जाएगा। जनधन योजना के तहत अब जो भी नए खाते खोलेंगे उन्हें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी है। जेटली ने कहा है कि सरकार द्वारा फाइनेंशियल इंश्योरेंस वित्तीय समावेश के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनधन योजना में 14 अगस्त 2018 में आगे भी जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खातेधारकों को 10,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। अब तक ये सुविधा 5,000 रुपये मिलती थी। जनधन योजना के तहत खातेदारों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का इस्तेमाल करते समय 2,000 रुपये निकालने के लिए किसी भी शर्त का पालन नहीं करना पड़ेगा। किसी भी समय जाकर आप निकाल सकते हैं 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब सभी को मिल रहे हैं 10,000 रुपये उनके बैंक खाते में। तो दोस्तों, नंबर 5, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसानों को मिल रहे हैं 2,000 रुपये की 3 किस्तें मिलेंगी। 1 साल में 6,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों, 2 हेक्टेयर की छोटी जोत वाले सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये दिए जाएंगे। ये मार्च के शुरू में ये पहली किस्त आ गई थी 2,000 रुपये, अब दूसरी किस्त भी आ गई और तीसरी किस्त भी आ जाएगी और प्रधानमंत्री बनते ही सभी के खाते में आने लगे 2,000 रुपये। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन करें। अगर आपकी दो हेक्टर की से कम ज़मीन है तभी आपको मिलेंगे 2,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में। तो दोस्तों, अगर आपको इन 5 योजना में से किसी एक का लाभ भी मिल गया है तो हमें कमेंट में लगा जरूर बताएं। अगर नहीं मिला है फिर बताएं आपको इन योजना का लाभ मिला है नहीं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लगाएं बताएं और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।